मार्केट टाइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ सुनील सिडाना। राजस्थान में श्रीगंगानगर को कृषि में सिरमौर माना जाता है। यहाँ पर कई तरह की जो फसलें हैं उनकी जो प्रोडक्शन है अच्छी खासी होती है। गेहूं है, सरसों है, कपास है, तो इसके साथ साथ जौ हैं। इस वक्त हम श्रीगंगानगर की अनाज मंडी में खड़े हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे की यहाँ पर जौ की है आवक जो है शुरू हो चुकी है और किसान अपनी जो जींस है यहाँ पर लेकर आ रहे हैं और उसको इसी तरह से यहाँ पर तुलाई हो रही है और आगे की जो व्यवस्थाएं हैं जो प्रक्रियाएं हैं उसे गुजारा जा रहा है जौ को। तो हमारे साथ इस वक्त यहाँ के व्यापारी भी मौजूद हैं, गौरव जी मौजूद हैं, उनसे जानना चाहेंगे कि यहाँ पर क्या व्यवस्थाएं हैं, गेहूँ जो जौ है उसकी कितनी आवक है। इससे संबंधित तमाम सवाल हम गौरव जी से करेंगे। जी गौरव जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद जी। गौरव जी, अभी जौ की आवक हो रही है, इसके बारे में कुछ बताएं। वैसे अभी जो जौ की आवक है वो लगभग 20,000 क्विंटल के आसपास पर डे हो रही है और जैसा कि आप लोगों को भी पता है कि अब फसल कटाई का चला है और जो किसान हैं वो डायरेक्ट अब लाने लगे हैं। कुछ किसान हैं वो घर पे स्टॉक भी कर रहे हैं, बट ज़्यादातर जो है लास्ट टाइम के जो देखते हुए सिस्टम को कि लास्ट टाइम जो किसानों को लंबे टाइम भी स्टॉक करने के बाद जौ में से कुछ खास आवक नहीं हो पाई थी, एक्स्ट्रा आवक नहीं हो पाई थी, तो इस बार उसी कारण लगभग किसान जो है वो डायरेक्ट लाने के मूड बनाए हुए हैं। अभी भावों की बात करें तो कितने चल रहे हैं भाव जी? अभी 1600 से लेके और 1900 तक जो है जो बिक रहे हैं और जो मोस्टली जो कॉमन भाव है वो लगभग 1800 का चल रहा है। अपने एरिया में किस तरह की जो है उसकी क्वालिटी कैसी है? अपने एरिया में हर तरह के जो हैं जिसके अंदर चराई, पेप्सी और अन्य काफ़ी जो बीज की क्वालिटी हैं वो आ रही हैं। जो बेस्ट क्वालिटीज़ हैं उनमें से एक पेप्सी जो है वो मेनली जो अपने एरिया का रहता है। बड़ी कंपनियां भी इसको खरीदती हैं? बिल्कुल खरीद रही हैं जी, बहुत बड़ी जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज़ हैं और जो अल्कोहल में, बियर में और इन फैक्ट्रीज़ हैं, कॉरपोरेट हैं जो उनमें डील कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, वो लोग इसके अंदर खूब अच्छा व्यापार कर रहे हैं और हमारे गंगानगर के बहुत से ऐसे व्यापारी हैं जो उनसे डायरेक्ट जुड़े हुए हैं और डायरेक्ट सप्लाई दे रहे हैं, जिसके कारण गंगानगर की मार्केट में बाकी मार्केट से भाव किसानों को कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा मिलता है और किसानों को बेनिफिट होता है। सरकारी खरीद की बात करें तो क्या कुछ है इसके? सरकारी खरीद का जौ में अभी स्टार्ट नहीं हुआ है जी, उम्मीद है। होता है वैसे तो? नहीं वैसे नहीं, जौ का नहीं होता जी। जौ का नहीं होता, जौ को इससे बाहर किया गया सरकारी? हाँ बाहर है जी, अभी खरीद स्टार्ट नहीं हुई है कोई, जौ को अभी सरकारी खरीद के अंदर नहीं लिया गया है। और क्या कभी किसान कभी डिमांड करते हैं कि जौ को इसको शामिल किया जाए? डिमांड किसानों की तो जी एक रहती है, क्योंकि आप जैसा जानते हो, जैसे आज चने की बात करें, सरसों की बात करें, गेहूं की बात करें, मार्केट में और एमएसपी रेट या जो सरकारी खरीद है उसके अंदर हमेशा डिफरेंस रहता है। जो सरकार जो कोई भी फसल जो सरकार खरीदती है उसमें किसान को 2 रुपये मुनाफा होता है, तो ये सेम जो है किसान 6 महीने, 7 महीने, 5 महीने मेहनत करके अपनी एक फसल को जो पालता है बच्चों के जैसे, तो वो उससे भी यही उम्मीद करता है कि कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा उनको मिले। अभी आपने बताया कुछ किसान लेकर आ रहे हैं तो कुछ स्टॉक कर रहे हैं, इसके पीछे की वजह क्या लगती है? इसकी वजह ये रहती है जी, जब नई फसल आती है तो एक तो उसमें जैसे आज जौ की बात करें तो इसमें एक मॉइस्चर ज़्यादा होता है, मॉइस्चर ज़्यादा होने के कारण व्यापारी उसका रेट कम लगाते हैं, जबकि जो डिफरेंस है जो मॉइस्चर का और जो मॉइस्चर के कारण वजन में और जो रेट में जो वो रहता है वो ज़्यादा डिफरेंस है, जिसमें किसान को थोड़ा नुकसान के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो इस कारण कुछ किसान हैं जो अफोर्ड कर पाते हैं तो वो क्या करते हैं इसे स्टॉक कर लेते हैं, थोड़े टाइम बाद जब इसमें मॉइस्चर की कमी होती है तो उसके बाद वो इसे लाना प्रेफर करते हैं मार्केट में। ठीक है, अभी थोड़ा साथ में दूसरी जींसों की बात करें, अभी जैसे गेहूं भी आ रहा है तो और भी दूसरी जींसें आ रही हैं, उनको देखते हुए आवक जींसों की ज़्यादा है, मंडी समिति की तरफ से क्या व्यवस्थाएँ की गई हैं? मंडी समिति की तरफ से काफ़ी अच्छी व्यवस्थाएँ हैं, शेड निर्माण है और टाइम पे जो है सारी उठाव है और सब कुछ मंडी की तरफ से लगभग कार्यक्रम जो किए जा रहे हैं वो नियमित रूप से किए जा रहे हैं। तो बिल्कुल, बहुत धन्यवाद आपका। तो ये हमारे साथ गौरव जी थे जिन्होंने जौ के बारे में, इसकी खरीद के बारे में, इसके भावों के बारे में और जो स्टॉक से संबंधित सारी जानकारी दी है। उम्मीद करते हैं जो जानकारी गौरव जी ने दी है वो किसानों को काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगी और इसी तरह से हम आपको आगे भी जो तमाम जिनसे हैं यहाँ पर, गेहूँ की बात करें, सरसों करें या और भी जो जिनसे यहाँ पर आई जाती है जिसकी आवक होती है उसके बारे में आपको जानकारी देते रहेंगे। श्रीगंगानगर से सुनील सिडाना, मार्केट टाइम्स न्यूज़।